हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फ्यूचर 50 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लार्सन एंड टर्बो शेयर के ऊपर चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। आने वाले समय में मीन्स नेक्स्ट वीक में हमें कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम, इन सारी चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करने के पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट वीक में यहाँ पे इनके क्वार्टर रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीनर पे मैंने लार्सन टर्बो को ओपन किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहाँ पे काफी अच्छा अट्रैक्टिव नंबर है यहाँ पे एज कम्पेयर प्रीवियस क्वार्टर। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली अपसाइड में यहाँ पे चल रहे हैं। ओवरऑल फंडामेंटल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बैलेंस शीट है एलएनटी का। यहाँ पे नीचे की तरफ भी हम देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली राइजिंग है, मतलब फंडामेंटल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे अट्रैक्टिव बैलेंस शीट यहाँ पे इन्होंने बनाया है एलएनटी का। और जो फिलहाल यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट 44%। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हम देखने को मिलता है। और जो बैलेंस शीट में देखा जाता है यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वार्टरली हम देख सकते हैं यहाँ पे 40, 32, 37। अभी फिलहाल यहाँ पे अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट हुआ 82, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे बैलेंस शीट है। तो फिलहाल इस हिसाब से हम यहाँ पे टेक्निकल के साथ व्यू बन रहा है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अभी यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को नोटिस करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट टू मंथ पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। और ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रहा था। 1400 से लेके 1560 तक काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम मिला है। देन अभी यहाँ देख सकते हैं हमें जो हमने ब्रेकआउट किया था यहाँ पे, जो सपोर्ट लिया था यहाँ पे हमने इसी लेवल के आसपास, अभी फिलहाल यहाँ पे हम ट्रेड हो रहे हैं, मतलब इसी लेवल के आसपास यहाँ पे हमने एक पैटर्न को फॉर्म किया था। यहाँ पे मैंने आइडेंट यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे डबल बॉटम का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। और जो इसकी रेजिस्टेंस है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नेकलाइन बन रही है इसी लेवल के आसपास है 1380। और अभी जो नेकलाइन है उसका भी हमने यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ऊपर के लेवल पे हम सस्टेन कर रहे हैं और इसी लेवल के आसपास यहाँ पे हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम ट्रायंगल पैटर्न का भी यहाँ पे देख सकते हैं, इसी पैटर्न के बीच ट्रेड हो रहा है, मतलब अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं जस्ट कुछ दिन पहले यहाँ पे हमने जो सपोर्ट लिया था 1420 इसी लेवल के आसपास लिया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लिया था, मतलब यहाँ पे जो हम सपोर्ट ले रहे थे उस लेवल का भी हम नीचे से ऊपर जाने जाते समय यहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, यहाँ पे हमने सेकेंड टाइम यहाँ पे ट्राई किया, देन अभी यहाँ पे हम थर्ड टाइम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास आके रुके हुए हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है कि अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जैसे हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है। यहाँ पे जैसे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाती है इस लेवल के आसपास और जैसे इस लेवल का हम ब्रेकआउट कर देते हैं तब जाके यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे बाइंग पोजिशन हैपनिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे हम इस लेवल को निकल लेते हैं तब जाके हमारे पास जो टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगा यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ऊपर के लेवल से जो ट्रेंड लाइन आ रही है डाउन साइड उस लेवल को भी हम पहले टेस्ट करने जा सकते हैं। तो मतलब जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है आफ्टर ब्रेकआउट वो 1480 लगभग 1500 के लेवल के आसपास निकल के आ रहा है। तब तक यहाँ पे हमारे लिए 70 to 80 rupees का यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्टेशन है। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे जो स्विंग है यहाँ पे जो नेकलाइन है इस लेवल के आसपास हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब यहाँ पर हमारे 20 to 20 rupees एसएल के लिए 70-80 rupees का यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है, मतलब 1:4 का यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। जो स्विंग ट्रेडिंग या जो 1 or 2 week का यहाँ पे टाइम फ्रेम रख के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मिल सकती है आने वाले समय में। यहाँ पे टेक्निकली जो मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने पर्सनली यहाँ पे मेरा व्यू दिया है। अगर आपको व्यू के साथ साथ जो टेक्निकल एनालिसिस समझ में आया और उसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे आप
आने वाले समय में यहाँ पे एलएनटी को अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हो, काफी अच्छा मूवमेंट है, यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। फंडामेंटली स्ट्रांग है, बैलेंस शीट काफी अच्छा, अट्रैक्टिव नंबर्स के साथ परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने आज स्मॉल टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट एनालिसिस किया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।